छात्रों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट शिव महेश पब्लिक स्कूल डेलर्ट संस्थान मुंशीगंज मेठी द्वितीय सेमेस्टर सत्र 2019-21 विषय गणित। छात्रों गणित में हम लोग पिछले टर्म पर कोण के त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। त्रिभुज के हमने कई टाइप्स पढ़े हैं। भुजा के आधार पर जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज के निकालने के सूत्र हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज का अलग सूत्र होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो अलग सूत्र होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो अलग सूत्र होगा, और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो अलग सूत्र होगा। समकोण त्रिभुज का अगर हमको सूत्र निकालना है तो उसका अलग सूत्र होता है, और ये त्रिभुज है तो उसका अलग सूत्र होता है। आज हम लोग दो त्रिभुज, त्रिभुज और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो आज का हमारा प्रकरण है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, जिसका सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, इस तरह अगर त्रिभुज दे दिया गया है और उस पर एक लंब डाला गया है AM, जिसमें आधार की लंबाई दी है यानी BC की लंबाई दी है और इस ऊंचाई यानी त्रिभुज की ऊंचाई दी गई हो, ये इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यानी संगत शीर्ष लंब होता है, इस पर एक लंब डाला जाता है, लंब की लंबाई दी रहती है। इसका सूत्र है 1/2, आधार है यहाँ पर BC और ऊंचाई है AM, तो हो जाएगा 1/2 गुणे BC गुणे AM। ये तो हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार हम देखते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज है, यदि इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है तो इसका सूत्र है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। आपको इसके बारे में अध्ययन कराया गया है कि समकोण त्रिभुज में नीचे वाली भुजा आधार होती है, यानी BC लंब है और BC आधार है और AC लंब है, और B कोण B के सामने जो भुजा है वो कर्ण है। यहां पर हम लिख सकते हैं ये आधार है और ये कर्ण और ये लंब। तो इसमें आधार की लंबाई दी है और लंब की लंबाई दी है, इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये भी आपको बताया गया है, मान लीजिए लंब और कर्ण दिया है तो आधार हम निकाल लेंगे और यह सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सूत्र हैं। अब हम आपको इनका क्षेत्रफल निकाल कर दिखा रहे हैं। यहां पर हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, और इस लंब AM की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। यहां पर हम सूत्र रख देंगे। सूत्र क्या है, 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, 1/2 गुणे 4 गुणे AM यानी आपका लंब, लंब कितना है 6 सेंटीमीटर। इसको हम हल कर लेंगे, 6 को 4 से गुणा कर देंगे, 6 जो 24,
यानी एक बटे दो गुणे 24 बराबर यानी 24 बटे दो कट जाएगा तो 12 आ जाएगा। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया बराबर 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। इसका क्षेत्रफल आ गया 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं यहां पर आधार की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और लंब की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। कितना है 8 सेंटीमीटर। अब सूत्र भी आप लोगों ने देखा था कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो हम सूत्र लगा देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बटा दो गुणे आधार गुणे लंब बराबर 1/2 आधार है 6 सेंटीमीटर और लंब है 8 सेंटीमीटर। अब यहां पर हम गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 8 × 6 = 48 48/2 बराबर 24 यानी उत्तर कितना आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर। ये जो समकोण त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम एक त्रिभुज दिया है और उसका आधार दिया है, लंब की ऊंचाई दी गई है, तो हम पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि समकोण त्रिभुज में आधार दिया है लंब दिया है तो उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कर्ण दिया है आधार दिया है तो लंब निकाल सकते हैं, फिर वही सूत्र का प्रयोग कर देंगे 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो आज हम लोगों ने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना सीखा। अगले टर्म पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसके जो सूत्र हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।